मैं उस शब्द का जिक्र करूंगा जिस शब्द को लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष ने आपत्ति जताई। वो शब्द आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपकी स्क्रीन पर। भारत की संसद में जुमला जीवी शब्द, इस पर आपत्ति है, असंसदीय है, लेकिन आंदोलन जीवी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने तस्वीर दिखाई, एक तरफ जो है जुमला जीवी, जिस पर आपने कहा ये असंसदीय शब्द है, और दूसरा तरफ है आंदोलन जीवी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल यही है आपसे, भारत की संसद में, हमारे देश की संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकतंत्र के मंदिर में, जुमला जीवी शब्द से आखिरकार किसको डर लगता है, किसको? चावला भाई, कि भाई शब्द जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये शब्दों पर पाबंदी, देखे ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि इन शब्दों का प्रयोग केवल जो है विपक्ष के ही सांसद करेंगे, जनता पार्टी के सांसदों पर भी तो वो लागू होगा। चावला भाई, तो इसमें आपत्ति किसी को क्या है? संजय जी, सब पर लागू होगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ ये जुमला जीवी शब्द से आखिरकार किसको डर लगता है और क्यों? देखिए, बात यहाँ शब्द विशेष की नहीं है चावला भाई, इसको समझना होगा। शब्दों पर ही खेल है। आप देखिए ना, दो शब्द हैं सर, एक आंदोलन जीवी है और एक है जुमला जीवी, तो ये दोनों शब्दों का खेल है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ये जुमला जीवी से किसको डर लगता है और क्यों डर लगता है, जुमला ही तो है। देखिए चावला भाई, लोकतंत्र में शब्दों की जितनी मर्यादा बनी रहे उतना अच्छा है, इस देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए जी, भी जी। तो जुमला जीवी किसे बोला जाता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अब जुमला जीवी जब असंसदीय हो गया है तो क्या मैं, क्योंकि आप लोग डिक्शनरी बनाते, तो क्या इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है, जुमलेंद्र संसदीय शब्द हो सकता है जुमलेंद्र? देखिए ये को मेरी बात सुनिए, ये शब्द बिल्कुल पूरी तरीके से अशोभनीय है और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इस शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आंदोलन जीवी है लेकिन जुमला जीवी नहीं शब्द इस्तेमाल करना। ओके, मैं आपकी बात समझ गया। इसी बात आपने कहा कि इन लोगों ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल। क्या जर्सी गाय संसदीय शब्द है? क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड संसदीय शब्द है? क्या गोली मारो को --, क्या ये संसदीय शब्द है? और हाँ, वो शूर्पनखा, क्या ये संसदीय शब्द है? संजय जी, चावला भाई, अगर संसद भवन से, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या ये संसदीय शब्द है? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गोली मारो, शूर्पनखा, क्या ये संसदीय शब्द है? चुनिंदा एक दो शब्द बता रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी सांसद, कोई भी दल, किसी भी दल का सांसद है मर्यादित भाषा शैली का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है। और कि अहंकार से किसी को क्या दिक्कत? अहंकार भी नहीं, असंसदीय, दादागिरी, शर्मिंदगी, चावला ये समझिए, घड़ियाली आंसू, लॉलीपॉप, विश्वासघात, पाखंड, ये गिरगिट चावला भाई। अच्छा, एक दिलचस्प मिल गया, एक सेकंड सर, ये हॉर्स ट्रेडिंग भी, समझ रहे हैं आप, हॉर्स ट्रेडिंग भी, ये सब असंसदीय, ये समझ से परे है। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे तो कांग्रेस के नेता ने कितना तुच्छ और कितना गंदा कटाक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी पर किया था कि वो तो चाय वाला है। बीच में मत बोलिए, सुनिए जरा, अरे चुप रहिए जरा, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, अरे चुप रहिए जरा, चुप रहिए, सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ी बहुत शर्म कीजिए, सुनिए जरा, अरे भाई सुनिए, क्या क्यों रहे बीच में टटरी की तरह, टटर टटर बीच में क्यों बोल रहे हो, सुनिए जरा। मैंने एक शब्द को चेक किया, फिर मैंने कहा कि हाँ, इसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये मर्यादित शब्द है। क्या डॉलर शब्द भी असंसदीय तो नहीं? फिर मैंने कहा कि हाँ, डॉलर शब्द अभी असंसदीय नहीं है, और ये डॉलर शब्द जब असंसदीय नहीं है क्योंकि डॉलर को लेकर जो खबर है कि अब की बार 80 पार, ये असंसदीय शब्द नहीं है वैसे,
प्लीज संजय जी। देखिए चावला भाई, ऐसा है जो भी आवश्यक कदम और जरूरी कदम है इस दिशा में वो उठाए जा रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। नहीं वो तो इस पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी आवश्यक और जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हाँ तब रुपया सिर्फ, क्योंकि कहा था ना किसी ने, रुपया सिर्फ जो है मुद्रा नहीं है, राष्ट्र का आत्मसम्मान भी है। मैं इसलिए कह रहा था, है ना आत्मसम्मान। देखिए अभी आपने चावला भाई, अभी चार दिन पहले आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। कहना था कि 2013 से पहले कुछ और स्थिति थी, तब कुछ और बयान थे, आज आपके कुछ और बयान है, सुनाऊं आपको। जो भी आवश्यक कदम है और जो भी जरूरी कदम है संजय जी, सरकार मैं समझ रहा हूं, 2013 से पहले इस बर्बादी की जिम्मेदार सरकार हुआ करती थी और अब 2022 आ गया, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? पहले से अगर सरकार जिम्मेदार ना होती तो देश बदलाव ना करता। 2013 में 2014 में इसीलिए जनता ने बदलाव किया था। तो मतलब चुनाव जीतना मतलब मोहर है कि फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई।